दोस्तों, जिला दर्शन में उदयपुर पाठ फर्स्ट पढ़ा था, आज पाठ है दूसरा। पढ़ते हैं, देखेगा अपन ने बात की थी पिछोला झील तक है। बात करते हैं जय समंद झील की। जय समंद झील है, इसको डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था। यह झील, इस झील की लंबाई, इस झील की लंबाई 15 किमी, चौड़ाई 2.5 से 3 किमी तक है। इस झील में मीना व भील जाति के लोग रहते हैं। इस झील में 7 टापू हैं। सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा है। छोटा टापू प्यारी है। एक टापू है जिसको मगरा के नाम से जानते हैं, मगरा। इसमें आइसलैंड रिसोर्ट बना हुआ है। देखिएगा, दूसरी झील है फतेह सागर झील है। इस झील का निर्माण है, महाराणा जयसिंह ने 1688 में करवाया था। इसका पूर्ण निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। देखिएगा, इस झील में 1975 में एक शोर वेधशाला स्थापित की गई। अहमदाबाद बाद शोर वेधशाला द्वारा आगे बात करते हैं। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, जैसलमेर झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया। इसको डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। इस झील की लंबाई 15 किमी व चौड़ाई 2.5 से 3 किमी है। इस झील में मीणा व भील जाति के लोग रहते हैं। 7 टापू, सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा है। सबसे छोटा टापू प्यारी है। एक टापू मगरा है जिसमें आइसलैंड रिसोर्ट बना हुआ है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है। बात करते हैं फतेह सागर झील के बारे में। फतेह सागर झील का निर्माण है महाराणा जयसिंह ने करवाया। इसका पूर्ण निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया और इसमें 1975 में एक सौर वेधशाला स्थापित की गई थी। वो स्थापित की गई थी अहमदाबाद सौर वेधशाला द्वारा। अब बात करते हैं उद्यानों की। उद्यान एक उदयपुर में जापानी उद्यान है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जापानी उद्यान कहां स्थित है। दूसरा है भामाशाही उद्यान। तीसरा उद्यान है गुरु गोविंद सिंह चट्टानी उद्यान। बात करते हैं एक सहेलियों की बाड़ी। इसका
इसका निर्माण है महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था। बात करते हैं आगे उदयपुर में और क्या क्या है, देखिएगा उदयपुर में बात करता हूं मैं फैक्ट की। उदयपुर में भारत का पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय खोला गया। दूसरी बात है भारत का पहला दुग्ध विज्ञान विश्वविद्यालय खोला गया। तीसरी बात है जादौर, यहां सर्वाधिक घिया पत्थर उत्पादित होता है। बात करते हैं फोर्थ की, यहां पर है वनवासी अभियान चलाया गया। आओ वनवासियों को गले लगाओ, वनवासियों को गले लगाओ। आगे बात करते हैं, देखिएगा इसमें और क्या क्या है। मैंने बताया भारत का जाडोल, यहां पर भारत का पहला जाडोल है, जाडोल में नहीं सर, यहां पर सर्वाधिक घिया पत्र उत्पादन होता है, जाडोल के अंदर सर्वाधिक हल्दी उत्पादन होती है। जाडोल में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन होता है। सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन राजस्थान में कहां होता है, जाडोल में होता है। आगे देखिएगा और बातें क्या क्या है, अपन ये बातें पढ़ी। अब बात करते हैं मंदिरों की, सबसे पहले पढ़ लेते हैं मंदिरों के अंदर जगत अंबिका मंदिर। जगत अंबिका माता का मंदिर आहड़ उदयपुर में स्थित है। जगत अंबिका माता का मंदिर आहड़ उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। आहाड़ में मेवाड़ सिसोदिया राजवंश के शाही शमशान स्थापित है, जिनको महा शतियों के नाम से जाना जाता है। आगे बात करिएगा, देखिए उसमें और क्या क्या है। मंदिरों में है, यहां पर है एकलिंग नाथ जी का मंदिर। किसका मंदिर है, एकलिंग नाथ जी का मंदिर। इसको मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश इसको अपना दीवान मानते हैं, अपना कुल देवता मानते हैं। देखेगा एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण रावल है बप्पा या काल भोज ने करवाया था। एक मंदिर है
जगदीश मंदिर या जगन्नाथ मंदिर है, जगदीश मंदिर या इसको जगन्नाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं मंदिर। इस जगन्नाथ मंदिर में क्या है, इस जगन्नाथ मंदिर को सपनों का सपनों में बना, जगन्नाथ मंदिर को सपनों में बना बना मंदिर भी कहते हैं या सौपन मंदिर भी कहते हैं, सौपन संस्कृति का मंदिर, सौपन है संस्कृति का मंदिर भी कहते हैं। 50 खंभों पर निर्मित है, 50 खंभों पर निर्मित होने के कारण है, पर निर्मित होने के कारण कारण इसको 50 खंभों का मंदिर भी कहते हैं। 50 खंभों का मंदिर कहलाता है। 50 खंभों का मंदिर कहाँ स्थित है, उदयपुर में जगदीश मंदिर या जगन्नाथ मंदिर। दूसरी बात करते हैं ऋषभदेव मंदिर, ऋषभदेव मंदिर या काला माऊ जी का मंदिर या केशरियानाथ, एक ही बात है ये, इसकी मूर्ति पर केशर का लेप चढ़ाया जाता है। केशर का लेप किसकी मूर्ति पर चढ़ाया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता है कि ऋषभदेव की आवश्यकता, काला माऊ जी का मंदिर कहाँ है उदयपुर में, केशरनाथ जी का मंदिर कहाँ है उदयपुर में, किसकी मूर्ति पर केशर का लेप चढ़ाया जाता है, काला माऊ जी या केशर या काल, ठीक है, नाथ मंदिर या ऋषभदेव मंदिर। आगे देखिएगा, एक माता का मंदिर है इंदाना माता का मंदिर, इंदाना माता का मंदिर, इसको देखिएगा इंदाना माता, इस इंदाना माता को अग्नि में स्नान करने वाली देवी के नाम से जाना जाता है, अग्नि में स्नान करने वाली देवी के नाम से जाना जाता है। अग्नि में स्नान करने वाली देवी को, अग्नि में स्नान करने वाली देवी को किस नाम से जाना जाता है, इंदाना माता के नाम से। उसका मंदिर कहाँ है, उदयपुर में बंबोरी नामक स्थान पर है। आगे बात करते हैं चामंड, चामंड यहां पर महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी है, भामा सा ने इसका निर्माण करवाया, महाराणा प्रताप की छतरी का निर्माण भामाशाह ने करवाया। अब बात करते हैं आगे, देखिएगा चामंड है, चामंड भामाशाह को किस नाम से जाना जाता है, भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण बड़ा मस्त है, मेवाड़ का कर्ण है किसे कहा जाता है, मेवाड़ का कर्ण भामाशाह को कहेंगे, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहेंगे, मेवाड़ का उद्धारक कहेंगे भामाशाह को, मेवाड़ का कर्ण, मेवाड़ का दानवीर आदि नामों से किसको जानते हैं, भामाशाह को जानते हैं। हल्दीघाटी के युद्ध में के बाद में महाराणा प्रताप को इन्होंने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, इसी कारण से इन्होंने इनको भामाशाह के रूप में जाना जाता है। मेवाड़ का कर्ण कहते हैं, मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं, मेवाड़ का दानवीर कहते हैं चामंड है। बात करते हैं गोमुंता की, यहां पर महाराणा उदय सिंह, यहां पर महाराणा
यहां पर महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई और आपको पता है मृत्यु होने के बाद में जस्ट राजपूत वंश के अंदर दूसरे राजा दूसरे उसका उत्तराधिकार को राजा बनाया जाता है। तो उदय सिंह का एक छोटा बेटा था उसको राजा बनाया गया, उसके बाद में प्रताप को राजा बनाया गया। तो ये 1 मार्च 1572 में 1572 ईस्वी में यहां पर प्रताप महाराणा प्रताप प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ। आपके क्वेश्चन आ जाता है कि महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहां हुआ, गोकुंदा में। और राज्य अभिषेक हुआ तो यहां पर गोकुंदा को अपनी राजधानी भी बनाया प्रताप ने। बात आगे देखिएगा, अब आगे की बातें अपन उदयपुर पार्ट थर्ड में करेंगे, जिसमें मैं आपके सामने लेके आऊंगा प्रश्न क्वेश्चंस जो एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने पढ़ा दिया और जो उदयपुर में जो कुछ रह गया वो क्वेश्चनों में चर्चा कर लेंगे अपन पार्ट थर्ड में। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना व लाइक व शेयर करना। आगे बात करेंगे पार्ट थर्ड में।